नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक के बारे में। कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम जो है ये स्टॉक आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज था, हल्के वीकर साइड में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये बैंक जो था वो धीरे धीरे आपको एक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिवर्सल के साफ साइन यहाँ देखने में रहा, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की कगार पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। 95.55 के लेवल पे आज बंद हुआ, लगभग 1.33% की तेजी थी। 95.8 का इसका दिन का हाई लगा और 100.7 जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक हाई। और कहने के सुबह से जैसे ही ये स्टॉक खुला उसके बाद से कहने के धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ शो कर रहा था। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक वीकनेस थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। वॉल्यूम भी आप देखेंगे लगभग 2 करोड़ 81 लाख शेयर के आसपास के देखने को मिले। निचले लेवल से अगर आप देखेंगे 52 वीक लो से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दे रहा। पिछले 4-6 महीनों में अगर आप देखेंगे बहुत ही शानदार रिटर्न जो है इस स्टॉक ने धीरे धीरे बना के अपने निवेशकों को दिया है। तो क्या ये स्टॉक अब 100 रुपए के पार जाने के लिए फिर से तैयार है, और क्या 100 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, या फिर मार्केट की जो गिरावट है वो इसको नीचे खींचेगी, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इस कंपनी की पहले वैल्यूएशन देखते हैं तो आपको देखने मिलती है 4 रुपए के आसपास की इसकी ईपीएस है, और 23 के आसपास के पीई पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जहां पे सेक्टर पी भी ऑलमोस्ट 23-24 के आसपास का ही है। प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देख रहे हैं 2.48, जो कि थोड़े हायर साइड पे देखने मिल रहा है, लेकिन मार्केट कैप 64,233 करोड़ के आसपास का है। और पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न जो है इस स्टॉक में आपको आते हुए दिखाई दिए। चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो चार्ट पे आपको एक बहुत ही शानदार मूव डेली चार्ट पे देखने मिल रहा है। अप्रैल के आसपास मार्च के मिड से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रैली स्टार्ट होती हुई दिखाई दी, 50-53 रुपए के आसपास के लगभग लेवल्स थे। ये स्टॉक लंबे समय से अगर आप देखेंगे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है, और उसके बाद से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 22 जून के आसपास इस स्टॉक ने बॉटम बनाया था लगभग 28-30 रुपए के आसपास। उसके बाद इस स्टॉक ने जैसे ही 200 दिन की ईएमए को पार किया है, सारे मूविंग एवरेजेस पॉजिटिव साइड में क्रॉस ओवर करने के बाद लगातार यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ देखने मिला। अप्रैल के महीने में 200 दिन को टच किया एवरेज को, और वहीं से फिर से इस स्टॉक पे बाउंस बैक देखने मिला। और अगर आप देखेंगे तो लगभग सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है डेली वो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल में पिछले अगर कुछ दिनों में देखेंगे तो 100 रुपए के आसपास का हाई लगा था 5 सितंबर के आसपास, और उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था ऊपरी लेवल से एक हाई मारने के बाद, क्योंकि मार्केट भी अगर आप देख रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा करेक्शन फेज दिखा रहा है। लेकिन ये स्टॉक बहुत बड़ा करेक्शन ने दिखाया है, आपको देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट जो है वो 92-93 के लेवल पे इस स्टॉक ने लिया है, और 93 के नीचे यहाँ पे आपको अभी भी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। तो जिस किसी के पास भी अगर कोई पोजीशन है स्टॉक में तो आपके लिए 93 रुपीज की जो लेवल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे। अगर ये 93 का लेवल जो है उसको तोड़ देता है चार्ट पे स्टॉक, तो फिर आप मान सकते हैं कि यहाँ थोड़ा करेक्शन गहरा सकता है। उस कंडीशन में फिर बात करेंगे 90, और उसके बाद फिर ये स्टॉक 87-88 के रेंज में जाता हुआ देख सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में इस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिला है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साइन ये स्टॉक दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी आती है तो ये स्टॉक जो है लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक बार अगर ये स्टॉक 9900 के लेवल को एक बार डिसाइसिवली निकाल लेता है तो ये स्टॉक अपने नए हाइज भी बनाता हुआ आपको दिखाई देगा, और 100 रुपए के ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा। तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग जो है इस स्टॉक को 105-110 रुपए के रेंज में ले जा सकती है। कहीं ना कहीं 5-10% के नियर टर्म टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए 92-93 के नीचे, यहाँ पे आप अगर मोटा मोटी समझ के चल रहे हैं, क्योंकि आपको अगर अच्छे खासे गेन मिले तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए डेफिनेटली, ताकि आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रेल हो रहा है तो आपकी प्रॉफिट पोजीशन जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी, ताकि किसी भी कारण अगर कोई गिरावट आती है अननेसेसरी तो आपका प्रॉफिट एटलीस्ट बुक रहे, अदरवाइज यहाँ पे फिर आप लॉस पे जाते हो दिखाई दे। क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 महीनों का मूव देख रहे हैं तो आपने देखा है बहुत शानदार मोमेंटम हुआ है, इसमें अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर थोड़ा करेक्शन होता है, तो उसमें अच्छे खासे जो गेन्स होते हैं वाइप आउट हो जाते हैं ऊपरी लेवल से। खासकर जिन लोगों ने नीचे एंट्री ली है उनके लिए तो प्रॉब्लम उतनी होती है, लेकिन जिन लोगों ने रिसेंटली एंट्री ली होती है ऊपरी लेवल के आसपास में, उनको नुकसान जो है वो बड़ा देखने मिलता है, उसके कारण सेलिंग प्रेशर भी जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद लगती है कि कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार ये पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जा सकता है। क्या लगता है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।